फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आइए नजर डालते हैं एक बड़ी खबर की ओर। मेरठ जिला कारागार में हत्या के एक मामले में बंद एक बंदी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सरूपुर थाना क्षेत्र के गांव उक्सिया निवासी 33 वर्षीय विकास को सांस लेने में तकलीफ होने और उल्टी में खून आने की शिकायत थी, जिसके चलते मृतक को 24 फरवरी को मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके चलते उसकी अचानक मौत हो गई। यहां इस मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। विकास 2010 में हुए एक हत्याकांड में आरोपी था, जिसकी वजह से उसे फरवरी माह में 24 तारीख को जेल भेजा गया था। ठीक उसी दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, तब से वो मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन था। बता दें कि डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन में प्रॉब्लम बताई थी, इसके चलते उसको दौरे भी पड़ रहे थे और खून की उल्टियों की भी शिकायत थी। वहीं मृतक के परिजनों ने विकास की हत्या किए जाने की आशंका जताई है, लेकिन बता दें कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और इसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इस मामले में मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर एन के तिवारी ने यह बताया। एक बंदी अंडर ट्रायल है विकास, जिसको कि 2 तारीख को भर्ती किया गया था यहाँ मेरठ जेल से ला करके। उस समय उसे खून की उल्टी और दौरे की शिकायत थी, तो वो यहाँ भर्ती रहा। कल तीन तारीख को शाम को करीब 9:30 के आसपास उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उसे कोशिश की गई रिवाइव करने की, नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बॉडी जो है पुलिस इन्फॉर्म करके शव परीक्षण के लिए भेज दी गई थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।